हेलो फ्रेंड्स आज हमारा मेरा टॉपिक है सी पी आर कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेटी सी पी आर सो सी पी आर की डेफिनेशन क्या है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन इज एन एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड व्हेन द हार्ट स्टॉप्स ब्रीदिंग बीटिंग इमिजिएट सी पी आर कैन डबल और ट्रिपल चांसेज ऑफ सर्वाइवल आफ्टर कार्डिक अरेस्ट कार्डिक अरेस्ट जो है वो जब हो जाता है जो हार्ट है जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाता है सो so, उस टाइम पर एक एमरजेंसी लाइफ केविंग सेविंग जो प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करना जो होता है उसको कार्डियो पलरी रजिस्टेशन कहते हैं ठीक है जिसके जरिए uh, दो से तीन गुना Uh, जो है वो लाइफ्स का जिंदगी को बचाने का जो है एक प्रोसीजर है वो चांस uh, है जो वो बढ़ जाते हैं ठीक है वैन इट इज़ यूज वैन अ परसन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग दे आर इन कार्डिक अरेस्ट ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट द हार्ट कैन नॉट पम्प ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड लंग्स ठीक है कार्ड जब आ, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग सो उस टाइम पे कार्डिक रेस्ट के होते हुए जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं करता पूरी बॉडी में और इंक्लूडिंग ब्रेन एंड लंग्स ठीक है हाल इतना बिल्कुल रुक जाता है और ब्रेन और लंग्स को भी जो है वो ब्लड जो है वो नहीं पहुंचता ठीक है इत, इस कदर शदीद होता है ये रेस्ट वर दू पर सीन एंड द परसन ठीक है जिस जगह पे, पे पेशेंट गिरा हुआ है या जिस जगह पे उसका कार्डिकलस्ट हुआ है पहले इर्द गिर्द के माहौल को देख लें कि वहां पर कोई एमरजेंसी तो नहीं है सबसे पहले आ उसके बाद आपने आ, वन वन टू टू पे हेल्प के लिए कॉल करनी है ठीक है मुख्तु मुल्कों की मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं ठीक है हमारे यहाँ वन वन टू टू है ठीक है एमरजेंसी जो है वो मेडिकल हेल्प के लिए ठीक है सो so, थर्ड है ओपनिंग द एयरवे ओपनिंग द एयरवे ये हम नेक्स्ट अभी पिक्चर में दिखाएँगे आपको किस तरह से ओपनिंग द एयर की जाती है ठीक है चेकिंग फॉर ब्रीथिंग कि ब्रीदिंग किस तरह चेक की, थी है, की जाती है कि जिस तरह से पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है चेस्ट कंप्रेशंस ठीक है चेस्ट कंप्रेशंस दिए जाते हैं डिलीवरिंग रेस्क्यू बा ब्रीथ्स ठीक है रेस्क्यू ब्रीथ्स दी जाती हैं और रिपीटिंग सी पी आर स्टेप्स ठीक है और सी पी आर जो स्टेप्स हैं उनको रिपीट किया जाता है चेकिंग सीन एंड पर्सन ठीक है ये हम अब फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो हम देख रहे हैं मेक श्योर द सेटिंग इज़ सेफ़ ठीक है आपका इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठीक है आप किसी भी रोड पे या कहीं आ, इसकी आ, किसी ऐसी जगह नहीं पड़े हुए कि जहाँ मरीज़ को बचाते हुए आपको नुकसान पहुँच जाए या मरीज़ को मज़ीद नुकसान पहुँच जाए ठीक है टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर एंड शाउट आर यू ओके पेशेंट जो होगा उसको हम शोल्डर से पकड़कर कर ठीक है हम उसको हिलाएंगे उसको ज़ोर से झटका देंगे उसको पूछेंगे कि आर यू ओके okay? उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए कि वो आ, कोई रिस्पॉन्स कर भी रहा है या नहीं टू मेक श्योर द पर्सन एक्चुअली नीड्स हेल्प तो इस वजह से आ, हम इसलिए देखेंगे कि क्या वाकई में उसको ज़रूरत है हेल्प की या वो उठ सकता है या नहीं ठीक है वो ज़िंदा भी है या नहीं या वो अगर जिंदा है तो वो किस हद तक जो है वो ख़ुद को हिला सकता है उसके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता ठीक है सो so, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे कॉलिंग वन वन टू टू फॉर असिस्टेंस ठीक है हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे वन वन टू टू को इफ़ इट्स क्लियर क्लियर हेल्प इज़ नीडिड कॉल वन वन टू टू और आस्क का बाय स्टैंडर्ड टू कॉल इफ देयर इज नो बायर्ड टू एक्सेस इट स्टे विद द विक्टिम कॉल वन वन टू टू एंड प्रिपेयर टू गिव असिस्टेंस ठीक है ओपनिंग द एयर वे ओपनिंग द एयर वे इस तरह से की जाती है कि इंसान को सीधा लिटा के उसकी चिन को जो है वो अप किया जाता है ठीक है और हेड को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है ठीक है विद द पर्सन लाइंग ऑन हिज हिज और हर बैक टिल्ट हेड बैक एंड स्लाइड टू लेफ्ट लिफ्ट चिन ठीक है लिफ्ट द चिन होता है चिन को ऊपर की तरफ करना और हेड को टिल्ट करने का मतलब है कि जिस तरह से ये तीर का निशान दिया गया कि हेड हेड को इस तरफ करना है और चिन को ऊपर की तरफ करना है ठीक है तो इससे उसका जो एयर वे है ये जो हल्का सा आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है सो ये एयर वे है उसका ठीक है वो एयर वे जो है वो क्लियर हो जाएगा चेकिंग फॉर ब्रीथिंग लिसन केयरफुली फॉर साउंड एंड ऑफ ब्रीथिंग ऑल्सो ऑब्जर्व द पेशेंट चेस्ट इफ़ नॉट मोर देन टेन सेकेंड्स इफ देयर नो ब्रीथिंग बिगिन सी पी आर ठीक है देखें अब वो इस इस पिक्चर में वो दो काम कर रही है एक वो उसके मुंह से अपने कान लगा के सुन रही है कि वो उसकी सांस की लेने की आवाज़ आ रही है या नहीं और दूसरा अपनी वो आँख से उसकी चेस्ट कंप्रेशंस देख रही है कि वो उसकी चेस्ट हिल रही है सांस ले रहा है वो या नहीं सांस उसकी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रही है या नहीं ठीक है अगर वो नहीं हिल रही या नहीं वो आ, सांस वो ले रहा तो उसको नज़र आ जाएगा और उसको आवाज़ भी नहीं आएगी सांस लेने की ठीक है सो so, अगर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर हमें सी पी आर स्टार्ट करना है बिगिन चेस्ट कंप्रेशंस चेस्ट कम्प्रेशन किस तरह से देने हैं ये जो पिक्चर नंबर वन में दिखा रहा है कि ब्रेस्ट बोन जो होती है स्टर्नम जो मिड वाली जो बोन है उसके ऊपर uh, दोनों हाथों की हथेलियाँ का जो एंड है वो रखेंगे और ऊपर से हम उसको कंप्रेस करेंगे ठीक है पुश हार्ड पुश फास्ट जोर लगा के पुश करना है और Uh, तेज़ी से करना है ठीक है ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही uh, टफ स्टेप्स हैं इसमें बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है तो इसलिए पुश हार्ड एंड पुश फास्ट यूज़ योर बॉडी वेट टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर कम्प्रेशंस एट लीस्ट टू इंचज डीप एंड डिलीवर्ड एट द रेट ऑफ एट लीस्ट हंड्रेड कंप्रेशं पर मिनट आपने इतनी स्पीड रखनी है कि एक मिनट के अंदर आप हंड्रेड कंप्रेशंस दें ठीक है और हंड्रेड कंप्रेशंस का मतलब है कि तीस कंप्रेशन दे के दो ब्रीथ्स देने हैं आपने फिर तीस कंप्रेशन देने हैं फिर दो ब्रीथ देने हैं फिर तीस कंप्रेशन और फिर दो ब्रीथ ये एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट uh, है जिसके ज़रिए हम सी करते हैं ठीक है आफ्टर एवरी थर्टी कंप्रेशं गिव टू ब्रीथस ठीक है हर तीस कंप्रेशंस के बाद दो दफ़ा सांस दी जाती है ठीक है तीस कंप्रेशंस दे रहे हैं ये जो ऊपर वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है और देन टू ब्रीथ्स ठीक है डिलीवरिंग रेस्क्यू ब्रीथ रेस्क्यू ब्रीथ किस तरह से जीत विद दर्सन हेड टिल्ट बैक स्लाइटली एंड द च लिफ्टिड ठीक है पिंच द नोज शर्ट एंड प्लेस योर माउथ ओवर द पर्सनस माउथ टू मेक अ कम्प्लीट सील ठीक है इस तरह से पेशेंट के मुँह के ऊपर अपने लिप्स रखें कि बिल्कुल सील हो जाए ठीक है हवा कहीं से बाहर ना जाए और उसकी दूसरे हाथ से आपने अपने, जो पेशेंट है उसके नाक को थोड़ा सा पिंच करना है ताकि आप जो सांस दे रहे हैं वो नाक के ज़रिए बाहर ना आए ब्लो इन टू द पर्सन माउथ टू तो मेक द चेस्ट राइज़ ब्लो ऑन टू द पर्सनस माउथ उसके मुंह के अंदर अपनी जो हवा है उसको ट्रांसफ़र करें ठीक है और उसकी चेस्ट को ऑब्जर्व करें कि वो चेस्ट उसकी ऊपर जा रही है या नहीं ठीक है डिलीवर टू रेस्क्यू ब्रीथ डेन कंटिन्यू कंप्रेशन दो दफ़ा आपने सांस देनी है उसको उसके बाद जो है वो आपने दोबारा से कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं इफ़ द चेस्ट डज नाट राइज With the initial द इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ रीटिल्ट द्ड बिफोर डिलीवरिंग द रेस् द second ब्रीथ ठीक है एक दफ़ा में अगर आपका उसका जो ब्रीथस है वो उसके अंदर नहीं जा रहे सो आपने उसकी चे जो चिन है उसको दोबारा से ऊपर करना है और हेड को टिल्ट करना है तब जाके दूसरा सांस आपने उसको देना है repeating CPR step continue with cycle of chest compressions and breathing until the person exhibited sign of life such as breathing तब तक आपने इस cycle को uh, करते रहना है कर, chest compressions and uh, breathings को जब तक के ए, उस patient को उस बंदे को होश ना आ जाए and वो सांस लेना शुरू कर दे and अ ट्रेन मेडिकल रेस्पोंडर अराइव ऑन द सीन एंड टेक ओवर ठीक है और तब तक आपने उसको सी पी आर देता रहना जब तक एक ट्रेन मेडिकल रेस्पोंडर जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता ठीक है एंड ऑफ द साइकिल इफ़ द सीन बिकम्स अनसेफ और यू आर अन अनएबल टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग सी पी आर ड्यू टू एग्जॉशन कुछ जगह हादसे वाली ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप Uh, ज्यादा देर नहीं ठहर सकते सो so, वहाँ पर आपने अपनी जान को खतरे में नहीं डालना ठीक है और वहां से आपने खुद को रिमूव करना है ठीक है ये एक कोट है दूसरों की मदद किया करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा दूसरों को सुकून दिया करो अल्लाह तुम्हें सुकून देगा सो so, ये एक आ, नेके का काम है ठीक है मेडिकली किसी की हेल्प करना किसी की भी ठीक है सो so, दूसरों की मदद किया करें थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज